वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ वर्ब्स का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने ये सीरीज चलाया था लर्न इंग्लिश ग्रामर, इसके तहत जो है हमने आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट और प्रोनाउन, नाउन एंड केसेस, नाउन एंड नंबर्स, ठीक है, इन सारे चैप्टर, टाइम एंड टेंसेस, इन सारे चैप्टर्स को पूरे डिटेल के साथ हमने चैनल्स पर कवर किया हुआ है। हमने वर्ब्स का जो है 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, ये वर्ब्स का पार्ट 5 है, ठीक है। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग जो है इस चैनल को, ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग जो है www.governmentjobachiever.com पे भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए आज का लेक्चर में हम लोग इन्फिनिटिव्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। इन्फिनिटिव्स, देखिए इन्फिनिटिव्स में दो तरह का इन्फिनिटिव्स होते हैं। एक होता है कि टू के साथ लगा हुआ और एक होता है टू के बिना, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं विथ टू, टू के साथ, टू के साथ वाला एक इन्फिनिटिव होता है और एक इन्फिनिटिव होता है टू के बिना, मतलब उसमें जो है टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटिव का जब भी बात रहे तो आपके दिमाग में टी ओ टू आना चाहिए, टी डबल ओ नहीं, एक बस एक ही ओ है, टी ओ, टी ओ आना चाहिए दिमाग में आपको टू। एक होता है टू के साथ इन्फिनिटिव और एक होता है टू के बिना इन्फिनिटिव। जो टू के बिना इन्फिनिटिव होता है इस इन्फिनिटिव का नाम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर मतलब क्या होता है कि मतलब उसके बिना, बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। टू के बिना इन्फिनिटिव, ये टू के बिना वाला इन्फिनिटिव बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं टू के साथ वाला इन्फिनिटिव, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का, टू के साथ इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव विथ टू, इन्फिनिटिव्स विथ टू, मतलब टू का प्रयोग किया हुआ वाला इन्फिनिटिव हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं दोनों चीज़ों को, ये दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद रूल वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर लिखा रहता आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। यहाँ देखिए ये जो वर्ब है गो, इसके साथ किसके साथ है, टू के साथ। तो ये जो एग्जांपल है ये इन्फिनिटिव विथ टू का एग्जांपल है, ठीक है, इन्फिनिटिव विथ टू का, टू के साथ है इन्फिनिटिव का प्रयोग। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा रहता लेट हिम गो, लेट हिम गो मतलब मुझे जाने दो, तो उसे जाने दो, लेट हिम गो उसे जाने दो। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस गो के साथ देखिए टू का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये जो है बेयर इन्फिनिटिव है। तो अब देखिए दोनों जगह गो का ही इस्तेमाल हुआ है, जाने का ही काम हो रहा है, लेकिन एक के साथ टू का प्रयोग किया गया है, एक के साथ टू का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कब जो है टू का प्रयोग करना है, कब टू का प्रयोग नहीं करना है। अगर जहाँ नहीं करना है, अगर आप वहाँ पर टू का प्रयोग कर देते हैं तो आपका जो है क्या होगा कि वहाँ पर एरर हो जाएगा, कॉमनली रूप से आपने एरर कर दिया, वो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। इसलिए जो है ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ पर जो है टू के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाएगा और कहाँ टू के बिना इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाएगा। तो उसके लिए जो है बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशन है, कुछ ऐसे वर्ब है जो कि अपने साथ इन्फिनिटिव का ही प्रयोग लेते हैं, तो उन सारे वर्ब के लिस्ट को जानना होगा। और कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि हमेशा बेयर इन्फिनिटिव के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे मॉडल ऑग्ज़िलरी वर्ब, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, मॉडल ऑग्ज़िलरी वर्ब के बाद जो है इन्फिनिटिव का प्रयोग बिना टू का होता है, टू के बिना जो है इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था
पिछले के पिछले लेक्चर्स में इसको, ये तो लेक्चर नंबर 3 में आपके साथ हमने डिस्कस किया था मॉडल ऑग्लरी वर्ब के बारे में, कैन, कूड, मे, माइट, सेल, सुड, विल, वुड, ये सब बताया था ना आपको। तो इसके बाद जो है इन्फिनिटिव का जो प्रयोग किया जाता है तो वो टू के बिना वाला इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो इस इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना होगा। जैसे देखिए लेट है, लेट है, वीड है, वॉच है, बिहोल्ड है, सी है, फील है, मेक है। इसके बाद देखिए इसके लेट के साथ, लेट के बाद जो है वो उस समय भी हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। तो इन सारे इस तरह से बहुत सारे वर्ब हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, उन सारे रूल रेगुलेशन को अगर हम लोग एक बार अच्छे से जान जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग जो है करेक्ट यूजेज करने के लिए सीख जाएंगे इन्फिनिटिव्स का। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं पहले। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग अभी ये सीखने जा रहे हैं इन्फिनिटिव विथ टू, यानी टू के साथ जो है जो इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जा रहा है उस रूल को हम लोग पहले सीख रहे हैं। अभी हम लोग बेयर इन्फिनिटिव को बाद में सीखेंगे। तो सबसे पहला नंबर में इसको सीख रहे हैं, फिर सेकेंड नंबर में इसको सीखेंगे। तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला है कि कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में जो है कभी कभी ये इन्फिनिटिव बी टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में। तो सब्जेक्ट के रूप में जो है आपका इन्फिनिटिव बी टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, मतलब क्या है कि स्विमिंग करना, तैरना जो है एक अच्छा एक्सरसाइज है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो टू स्विम है, इन्फिनिटिव विद टू है, ये क्या कर रहा है, कर्ता के रूप में यूज किया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कर्ता के रूप में यूज होता है, कभी कर्म के रूप में भी यूज होता है। कर्म मतलब क्या, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल होगा। तो दूसरा रूल इसमें लिखिए कि कर्म के रूप में, कर्ता के रूप में हुआ और ये होगा कर्म के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, कर्म के रूप में। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, नो वन वांट्स टू डाई, कोई भी व्यक्ति जो है मरना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर जो टू डाई है ये क्या है कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ। तो इन्फिनिटिव का प्रयोग कभी कर्ता के रूप में किया जाएगा, कभी कर्म के रूप में भी किया जा सकता है, कभी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है और कभी ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड चलते हैं, थर्ड है कि किसी भी उद्देश्य के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी कारण को बताने के लिए भी हम लोग इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं कोई भी पर्पस को बताने के लिए, पर्पस या कह सकते हैं काउज, उद्देश्य या कोई भी कारण को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही सोल्ड हिज वॉच टू बाय बुक, अगर ऐसा हो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कि उसने जो है अपनी घड़ी को बेचा किसके लिए, तो किताब खरीदने के लिए। तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ एक पर्पस दिख रहा है, यहाँ पर जो ये टू बाय से जो है इससे क्या पता चल रहा है, एक उद्देश्य पता चल रहा है। क्या उद्देश्य था, उसने घड़ी क्यों बेचा, उसका उद्देश्य क्या था कि उसे किताब खरीदना था। तो उद्देश्य को बताने के लिए, पर्पस को बताने के लिए हम लोग इन्फिनिटिव बी टू का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो है किसके लिए है, पर्पस को बताने के लिए, उद्देश्य को बताने के लिए यहाँ पर किया गया है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर लिखा रहता ही स्टार्टेड बीपिंग टू सी हिज सन डेड, उसने जो है रोना शुरू कर दिया, स्टार्टेड बीपिंग मतलब क्या हुआ, उसने रोना शुरू कर दिया टू सी हिज सन डेड, अपने बेटे को मरा देखकर, ठीक है। तो देखिए टू सी जो है यहाँ क्या है, देखकर, टू सी हिज सन, तो देखिए उसका कारण क्या था, उसके रोने का, उसने जो स्टार्ट कर दिया रोना, उसके पीछे कारण क्या था, उसके पीछे ये कारण था कि उसका बेटा जो है मर गया था, उसको देखा और उसके साथ रोना शुरू कर दिया।
तो यहां पर क्या बता रहा है, ये एक काउज बता रहा है। तो काउज पर्पस ये सब चीजों को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटिव बी टू का प्रयोग करते हैं। चलिए फोर्थ नंबर चलते हैं। क्रिया का कोई भी वर्ब है, क्रिया जो है उसका कंप्लीमेंट के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट का मतलब हुआ कि कोई काम का पूरक, सहयोग के रूप में। पूरक मतलब क्या, कोई चीज सहयोग कर रहा है किसी काम को करने के लिए, तो पूरक के रूप में वर्ब के जो है कंप्लीमेंट के रूप में यूज किया जा सकता है, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ही इज टू गो, उसे मतलब क्या होगा, जाना होगा। तो यहां जो टू गो है ये क्या कर रहा है, कंप्लीमेंट के रूप में यूज किया जा रहा है, वर्ब का कंप्लीमेंट के रूप में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है कुछ वर्ब का हम लिस्ट देते हैं, उस वर्ब के लिस्ट को आप लोग याद रखिएगा, और उसके साथ जो होता है कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और उस ऑब्जेक्ट के बाद जो है टू प्लस वी वन का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब विथ इन्फिनिटिव, टू विथ इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इन सारे वर्ब का लिस्ट आप लोग याद रखिएगा, रूल नंबर 5 बता रहे हैं इन्फिनिटिव्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्क, एडवाइस, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इनकरेज, इन सबके बाद क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद टू प्लस वर्ब का पहला रूप का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या है, आस्क है, एडवाइस, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इनकरेज, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, कंपेल, बैग, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, और इंस्ट्रक्ट के बाद लिख सकते हैं परमिट, परसुएड, टेल, रिक्वायर, टीच। तो ये सारे वर्ब के जो है आपको लिस्ट याद रखना है, इन सब इन सारे वर्ब का लिस्ट को। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद हम लोग जो प्लस लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है टू प्लस वी वन का प्रयोग किया जाता है। ये टू प्लस वी वन का प्रयोग, टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रखना है इसमें से, देखिए इंपॉर्टेंट कौन सा है जो कि आपको बार बार दिखता है एग्जामिनेशन में, आस्क दिखता है, टेल दिखता है, रिक्वायर दिखता है, ठीक है, और आपको अलाउ दिखेगा, एडवाइस दिखेगा, एडवाइस तो बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है, एडवाइस, टेल, रिक्वायर, आस्क, ये टीच दिखेगा, ठीक है, इन सारे वर्ड को आप लोग, कमांड दिखेगा। तो ये चार पांच वर्ड जो है जो कि अंडरलाइन किए, इनको तो आप लोग याद रखिएगा ही, और बाकी सब अगर याद भी ना रहे तो भी चल सकता है, लेकिन इन सारे वर्ड्स को आपको याद रखना है। देखिए इसको याद करने का क्या तरीका है कि आप इसको जो है 2 से 3 बार लिखिए, बस आपको याद हो जाएगा। मतलब जैसे कि अभी बैठ कर अगर आप लोग याद कर भी लेते हैं इसको, तो फिर इतना सारा रूल्स है, रेगुलेशन है ग्रामर्स में कि आप जो है फिर भूल जाइएगा। तो इसको, इससे बेटर है कि इसको बार बार यूज में लाइए, इससे रिलेटेड ग्रामर्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो इसको याद रखना है किसी भी हालत में, क्या क्या है, आस्क, एडवाइस, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इनकरेज, कंपेल, बैग, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, परसुएड, टेल, रिक्वायर, टीच। इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इन सारे जैसे आस्क करेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद टू प्लस वी वन का प्रयोग किया जाता है।
टू प्लस वी वन का प्रयोग किया जाता है इन सारे वर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, इस चीज का जो है इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लिखा रहा था ही एडवाइज वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, एडवाइज का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड अगर मी है, देखिए एडवाइज यहाँ पर इस वर्ब के लिस्ट में से एक वर्ब का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, हाँ, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब जो है क्या होगा, टू प्लस वी वन का प्रयोग होगा। ही एडवाइज मी टू डू इट एट वंस, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि इस वर्ब के लिस्ट में से आपको अगर कोई भी वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है और उसके बाद जहां वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा कि टू प्लस वी वन का प्रयोग, मतलब टू प्लस वी वन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए जबकि यहां पर देखिए अगर इसको देखा जाए, एडवाइज्ड मतलब क्या हो गया, ये जो है सलाह दिया, मतलब ये वर्ब टू का प्रयोग किया गया यहां पे, और इसके बाद ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो वही मैं कह रहा हूं कि मतलब इन सारे वर्ब का अगर इस्तेमाल किया गया है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद जो है टू प्लस वी वन का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे टू प्लस वी वन का प्रयोग, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल इससे रिलेटेड ले लेते हैं ताकि और क्लियरिटी बने, ठीक है। तो आपको क्या किया जाएगा कॉमन एरर में, आपको यहाँ पर जो है टू को हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये टू को हटा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये एडवाइस मी डिड इट एट वंस इस तरह से दे दिया जाएगा। तो आपको ये समझ जाना है कि इन इस वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद टू प्लस वी वन का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सी कंपेल्ड, सी कंपेल्ड यू टू लीव द प्लेस। उसने क्या किया, कंपेल्ड किया आपको कि आप जो है इस जगह को छोड़ दें। तो देखिए यहां पर क्या हो गया कि सी कंपेल्ड, अगर कंपेल्ड को देखा जाए तो देखिए यहां पर कंपेल्ड देखिए है क्या इस लिस्ट में, तो यहां पर देखिए कंपेल है, यहां पर है ना कंपेल, तो देखिए कंपेल वर्ड है। तो कंपेल्ड के बाद क्या होता है कि इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है तो उसके बाद टू प्लस वी वन का प्रयोग किया जाता है। तो टू प्लस देखिए लीव है, टू प्लस वी वन का प्रयोग किया गया है, ये सेंटेंस आपका एकदम सही है। तो ये इस तरह से जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपको जो है ये चीज जानना है। अब देखिए इसके साथ एक रूल और अटैच कर देते हैं, वो रूल क्या कहता है कि अगर इन सारे वर्ड का प्रयोग किया गया है, अगर जहां सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में रहता तो उस केसेस में क्या करते हैं हम लोग, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा तो भी टू प्लस वी वन का प्रयोग कर देंगे। यानी एनी हाउ जो है इसके बाद इन सारे वर्ड्स के बाद टू प्लस वी वन का ही प्रयोग होता है, मतलब इन्फिनिटिव बी टू का प्रयोग किया जाता है, ना कि बेयर इन्फिनिटिव का, ठीक है। अगर ये जो है यहाँ अगर ये पैसिव वॉइस में रहता तब ऑब्जेक्ट का भी जरूरत, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता तो भी डायरेक्टली टू प्लस वी वन का प्रयोग कर देते। लेकिन इस केसेस में क्या होगा कि जब इस तरह का सेंटेंस है तो क्या होगा कि पैसिव वॉइस वाला नहीं है तो एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंसेस है, तो उस केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद टू प्लस वी वन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर नोट डालकर लिखिएगा, ठीक है, नोट लिखिए यहां पे। नोट में क्या लिखना है, अगर पैसिव वॉइस में उन सारे वर्ड्स का प्रयोग अगर पैसिव वॉइस में किया गया है, पैसिव वॉइस में हो, तो उसके बाद क्या करना है, तो सीधा जो है हम लोग टू प्लस वी वन का प्रयोग कर देंगे, टू प्लस वी वन का प्रयोग डायरेक्टली हम लोग कर देंगे, ठीक है। अगर उन सारे वर्ब का यूज आस्क, एडवाइस, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इन सब का प्रयोग जो है अगर पैसिव वॉइस में हो तो सीधा टू प्लस वी वन का प्रयोग कर दिया जाएगा। और ऐसे क्या होता था ऑब्जेक्ट आता था उसके बाद टू प्लस वी वन का प्रयोग होता था। तो इस पे जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सी वाज परमिटेड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली टू प्लस वी वन का प्रयोग किया जाए कर दिया जाएगा। सी वाज परमिटेड टू गो विथ हिम, उसे जो है परमिट कर दिया गया, उसे अलाउ कर दिया गया कि उसके साथ वो जा सकती है। तो देखिए सी वाज परमिटेड,
तो देखिए परमिटेड जो है वर्ड है उसमें लिस्ट में हमारे पास हाँ है परमिट वर्ड, समझे। तो इसके बाद क्या हो रहा है, ये देखिए पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, ये जो है किसमें है पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, ठीक है। तो सब्जेक्ट है वाज बेयर है, वर्ब का दूसरा रूप है, दूसरा कह सकते हैं बी वन बी टू है बी थ्री भी है, परमिटेड का दोनों फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या है, ये टू है और यहाँ पर क्या है बी वन है, ठीक है। तो यहाँ पर टू प्लस बी वन जो है ये इन्फिनिटिव का रूप में प्रयोग किया गया है, तो ये जो है सेंटेंस आपका सही। पैसिव वॉइस में डायरेक्टली टू प्लस बी वन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल चलते हैं, सिक्स नंबर रूल। सिक्स नंबर रूल ये कहता है कि अगर जैसे देखिए कुछ वर्ड है ऐसे कि जो जैसे कि लाइक है, वांट है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, लाइक वांट विश और प्रोमिस, ये सब वर्ड जो है काफी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन में, लाइक वांट विश प्रोमिस। अगर इन सारे वर्ड का अगर यूज किया गया है सेंटेंस में, इन चारों वर्ड का, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोनों कैसे से रह जाएंगे, इसके बाद या तो ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस भी वन का प्रयोग किया जाएगा, या फिर डायरेक्टली जो है, या फिर इन सारे वर्ड के बाद डायरेक्टली जो है टू प्लस भी वन का प्रयोग भी कर दिया जा सकता है, दोनों अलाउड है, ठीक है। क्या बोले, इस चीज को याद रखिएगा कि लाइक वांट विश, लाइक वांट विश प्रोमिस, इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस भी वन का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर डायरेक्टली जो है सीधा रूप से जो है इसके बाद टू प्लस भी वन का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि आई वांट एवरीवन टू लिसन टू दिस नोटिस, मतलब मैं चाहता हूं कि इस नोटिस को हर एक लोग सुने। तो देखिए यहां पर वांट का प्रयोग किया गया है, तो ये वांट के बाद जो है ये ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, तो वांट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद टू प्लस वी वन का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी यूज किया जा सकता है, जैसे लिखा रहा था आई वॉन्ट टू गो, तो यहां पर देखिए मैं जाना चाहता हूं, तो वांट के बाद देखिए ऑब्जेक्ट है क्या, ये वर्ब है, ठीक है, वांट जो है आपका वर्ब है, और उसके बाद टू प्लस वी वन का प्रयोग कर दिया गया, इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए लाइक वांट विश और प्रोमिस, इसके साथ क्या होता है कि डायरेक्टली टू प्लस वी वन का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद भी टू प्लस वी वन का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम लोग पिछला रूल पढ़ रहे थे, रूल नंबर फिफ्थ, तो उसमें हमने आपको स्ट्रिक्टली ये क्या कहा था कि आपको जो जैसे आस्क है, एडवाइस है, अलाउ है, कमांड है, फोर्स है, फॉरबिड है, इनवाइट है, इनकरेज है, कंपेल है, बैग है, ऑर्डर है, इमेजिन है, इंस्ट्रक्ट है, परमिट है, परसुएड है, टेल, रिक्वायर, टीच, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको टू प्लस वी वन का प्रयोग करना है। लेकिन जब उसी में हमने नोट में लिखा है आपको क्या कि जब पैसिव वॉइस के फॉर्म में रहेगा तो आप सीधा भी कर सकते हैं यूज टू प्लस वी वन का। इस केसेस में क्या है कि आपको दोनों चीज का छूट है, क्या दोनों चीज का छूट है कि आप ऑब्जेक्ट के साथ भी, ऑब्जेक्ट के बाद भी टू प्लस वी वन का प्रयोग कर सकते हैं और डायरेक्टली भी टू प्लस वी वन का प्रयोग कर सकते हैं। तो लाइक वांट विश प्रोमिस, ये सब काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस तरह का वर्ड देखने के लिए मिलता है कॉमन एरर के प्रॉब्लम में, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार रखिएगा, लाइक वांट विश और प्रोमिस, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम आपको इससे रिलेटेड अभी और भी रूल्स हैं इन्फिनिटिव से, इन्फिनिटिव विद टू के साथ जो है अभी और भी रूल्स हैं, ठीक है, उन सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जाकर जो है बेयर इन्फिनिटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। बेयर इन्फिनिटिव में क्या होगा कि हम लोग टू को हटा देंगे, ओमिशन ऑफ टू कर देंगे, टू को हटा देंगे, तो ये जो है आपका इन्फिनिटिव पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग पार्टिसिपल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसी में अभी वर्ब में ही पार्टिसिपल में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इन सारे चीजों का यूज करके भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जाकर जो है वर्ब आपका खत्म होगा, उसके बाद हम लोग एडवर्ब स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एडवर्ब स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन हम बिना वर्ब को पढ़ाए हुए एडवर्ब स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है सबसे पहले हम वर्ब कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एडवर्ब करेंगे। कंजक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आप चैनल पर देख सकते हैं, वॉइस से भी रिलेटेड दो तीन वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं उन वीडियोज को।
ठीक है, हमने जो है एक प्लेलिस्ट बना दिया है एसएससी एमटीएस इम्पॉर्टेंट वीडियो, तो उसमें जो है जो जो वीडियो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा उसमें मोस्ट ऑफ द जो वीडियोज है वो प्रीवियस ईयर का जो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है या एसएससी में पूछा गया जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों का एक लिस्ट बना दिए हैं एसएससी एमटीएस इम्पॉर्टेंट वीडियो। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग जो है सारे वीडियोज को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। कम से कम आप चैनल के सारे वीडियोज को नहीं देख सकते हैं तो कम से कम उन सारे वीडियोज को एक बार रिवाइज करके जाइए, नहीं तो आपको खुद ब खुद मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंट लगने लगता है एग्जामिनेशन में, लगता है कि कुछ कमी रह गया, अगर रिवाइज करके आते तो ज़्यादा कर पाते क्वेश्चन को। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसको अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप जो है डायरेक्टली उस प्लेलिस्ट पे जाइए और उस सारे वीडियोज को देखिए, और इधर से भी जितना हम कवर हो सकता है करेंगे कवर, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि जो कॉमन एरर का है सेक्शन, कॉमन एरर के सेक्शन में बच्चे बहुत कम मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, इसलिए हम जो है आपके एग्जाम से पहले 30 तारीख से पहले तक में जो है टोटल 10 लेक्चर जो है हम चाह रहे हैं कि कॉमन एरर का आपके लिए अपलोड कर दें, ठीक है। तो 10 लेक्चर लगभग कॉमन एरर का सेपरेटली अपलोड होगा, जिसमें कि फाइंड आउट द एरर वाले क्वेश्चन रहेंगे और दूसरा अंडरलाइंड पार्ट रहेगा, जो कि एरर रहेगा अंडरलाइंड पार्ट में उसको आपको करेक्ट करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, फिर जीके जीएस से रिलेटेड जो है जो प्रीवियस ईयर के एसएससी क्वेश्चन है उस तरह का भी लेक्चर को हम लोग अपलोड करेंगे। तो आप लोग वेट एंड वॉच कीजिए, वेट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बहुत कम बच्चे शेयर करते हैं, मुश्किल से मुझे लगता है जितने बच्चे देखते हैं उसमें से 10% बच्चे शेयर करते हैं, 10% से भी कम रखिए, उससे भी कम बच्चे शेयर करते हैं। तो आप लोग शेयर कीजिए, शेयर करेंगे तो जो लोग मतलब कह सकते हैं कि मतलब सारे बच्चों तक कोचिंग मतलब इसका ये एफर्ट जाएगा, जो लोग कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे उन लोगों तक भी ये वीडियो जाएगा तो उनको भी फ़ायदा हो पाएगा, ठीक है। आप लोग जो है वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए www.governmentjobachiever.com पे, इस पर जो है आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कर लिया कीजिए, ठीक है। कोई भी रिसेंट जो भी नोटिस आएगी तो उससे रिलेटेड हम जो इस पर वेबसाइट पर पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। और आप लोग फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।